अपनी लगातार थर्ड विन थर्ड मैच जीते हैं, लगातार 3 मैचेस ये जीत चुके हैं। और थर्ड मैच जो इनका बहुत ही एक टेस्ट था, मतलब इनका एक तरीके का समझे एक एग्जाम था इनका, कि इनको ये पास करना था और ये फुल एक प्रिपेयर हो जाती है टीम कि अब ये सेमीफाइनल में अच्छा करेगी। और ये होना चाहिए इंशाल्लाह यही होगा, क्योंकि अगर ये अफगानिस्तान से खुदा ना खासा हार जाते तो स्कॉटलैंड नामीबिया से जीत कर तब भी इन्होंने सेमीफाइनल में तो जाना ही था। अब इन्होंने कन्फर्म अपनी सेमीफाइनल में जगह बना ली है, बस एक और मैच जीतने की देर है तो ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जीत चुका है। फिर अगला जो मैच होगा इनका वो नामीबिया से ही होगा, तो ये तो इंशाल्लाह इन्होंने जीतना ही है, क्योंकि नामीबिया स्कॉटलैंड दोनों अंडररेटेड टीम्स हैं, इंशाल्लाह जीत जाना उन्हें। और फिर जरा मैच के बारे में जरा बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए सबसे पहले तो उन्होंने टॉस में इतना फुलिश डिसीजन लिया, मुझे खुद समझ में नहीं आई कि इन्होंने ऐसा किया क्यों। इंतहाई से ज्यादा कोई फुलिश डिसीजन भाई, हर टीम चाहे आप साउथ अफ्रीका देख लें, वेस्ट इंडीज देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, बांग्लादेश ने तो खैर पहली बैटिंग ले ली तो खुद अलग ही कर दिया। और लेकिन एक बात जो आपके जहन में होगी वो ये होगी कि अभी जो दोपहर का मैच हुआ है वो वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश को थ्रिलर मैच में एक अपसेट जो हुआ था उसमें हरा दिया था बांग्लादेश को। बांग्लादेश चेस कर रही थी, 3 रन चाहिए थे उनको, और आदर रसल ने द स्पेशलिस्ट ऑफ यॉर्कर इन द फाइनल ओवर्स उन्होंने पूरे के पूरे मैच ले गए थे। लेकिन ये कंडीशंस अभी डिफरेंट थी, क्योंकि रात को अभी आ जाता है ड्यू फैक्टर सेकेंड इनिंग में, और उसके सपोर्ट किया आसिफ अली को, ड्यू फैक्टर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, आसिफ अली अगेन हिट द गेम, फिर से पाकिस्तान के उन्होंने अपने मैच जिता दिया भाई। मतलब कि क्या ही तो सुपरस्टार है ये हमारे भाई, अब सुपरस्टार बन गए। इतनी तो क्रिटिसिज्म होता था इन पर सोशल मीडिया पर, चाहे खोले यही क्रिटिसाइज हो रहा था आसिफ अली की क्या जगह बनती है टीम में, उनकी जगह बनती है उनकी नहीं, यही होता रहता था। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ इस मैच में करेंगे, और आज का मैच भी यही जिताएंगे। बैक टू बैक 2 गेम्स इन्होंने अपनी पाकिस्तानी टीम को जिताया, अभी वर्ल्ड कप के प्रेशर को हैंडल करते हुए, प्रेशर एब्जॉर्ब करते हुए। हाँ, शुरू से मैच की तरह मैच से के बारे में जरा बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 148 का इनको टारगेट दिया, लग नहीं रहा था कि इतना टारगेट जाएगा, क्योंकि जैसे हमारे आउटस्टैंडिंग जो बॉलिंग करा रहे थे हमारे बॉलर्स, इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करा रहे थे, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग हो रही थी बिल्कुल। लेकिन बस हसन अली ने बहुत ज्यादा मायूस किया आज के मैच में, आज भी उन्होंने लगातार हमारे लिए वीक लिंक साबित हो रहे हैं, वीक बॉलर होते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों ये क्या हो क्या रहा है, फॉर्म नहीं बन पा रही है, क्या हो क्या रहा है। गुलबदीन नायब जो बॉलर है उन्होंने उनको 21 रन मार दिए उनके ओवर में भाई, ये काय की चीज है भाई, आपको ऐसे बॉलर बनना चाहिए। शुरू में तो अच्छी बॉलिंग कराते, एक मेडन भी कराए मान लिया, लेकिन आप आखिर में आकर आप प्रेशर में क्यों आ गए, हालांकि आपने उनको प्रेशर में डालना था, आप खुद प्रेशर में आ गए और आपने उनको 21 रन दे दिए और उनका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया। तो उससे उन्होंने आखिरी बाकी जो ओवर है हर्ष रऊफ को भी उन्होंने टारगेट किया आखिर में, लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी हमारी बॉलर्स की नो डाउट। लेकिन वह हसन अली ने बहुत ज्यादा मायूस किया, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, अनएक्सपेक्टेड वीक लिंक हमारे लिए साबित हो रहे हैं ये। 37 टोटल रन दिए इन्होंने 4 ओवर्स में, ये उम्मीद नहीं थी उनसे, लेकिन एक विकेट तो ली है उन्होंने। लेकिन जो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग जो बॉलिंग कराई है पाकिस्तानी टीम की तरफ से वो इमाद वसीम नहीं कराई है, टोटल पूरे के पूरे शुरू के 10 ओवर्स में उनका स्पेल खत्म हो चुका था, और 4 ओवर्स में उन्होंने अपने 25 रन दिए और 2 विकेट्स ले ली थी उन्होंने। और सबसे जो इम्पोर्टेंट विकेट मैं आपको बता दूं, हजरतुल्लाह जाजाई की उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट विकेट ली है, पहले ही ओवर में उन्होंने इतनी बड़ी बिग विकेट ली है, क्योंकि अगर ये चल जाते तो ये तो 200 तक टारगेट पहुंचा देते, क्योंकि जैसे ये बैटिंग करते खड़े खड़े 70 रन मार देते हैं ये पाकिस्तानी बॉलर्स को खेल चुके हैं कराची किंग्स के खिलाफ, दो बार ये 70 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं। इमाद वसीम को भी इन्होंने रीड किया हुआ था पूरा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मुश्किल होती थी इनको पीएसएल में खेलने की, और अब भी हुई, स्वीप शॉट मारना चाह रहे थे, ऑफसाइड एज लगा और आउट हो गए और कैच आउट किया। और हर्ष रऊफ ने भी नो डाउट बहुत ही एक बेहतरीन कैच पकड़ा था हर्ष रऊफ ने, और बहुत ही तारीफ के लायक ही कैच था। फिर चले इमाद वसीम ने फिर आगे अपनी विकेट्स को कंटिन्यू रखे, फिर एक और उन्होंने विकेट ली, और ऐसे विकेट्स ऐसी लीक हो रही थी अफगानिस्तान की,
ऐसी विकेट्स की लाइन लग गई थी जैसे इमाद वसीम ने जजाई की विकेट उठाई, एक सिक्स मार रहे थे फिर आउट, एक सिक्स फिर आउट, दो सिक्स फिर आउट, ऐसे ऐसे चल रहा था। नजीबुल्ला जदरान को भी इन्होंने सेट नहीं होने दिया। सबसे बड़ी बात तो ये, चलो सबसे बड़ी अच्छी बात ये हो गई कि उन्होंने सेट नहीं होने, अगर वो सेट हो जाते तो जैसे वो सिक्स फोर्स मारते तो भाई अच्छा नहीं होने पाता पाकिस्तान का, वैसे ही 160-170 तक चला जाता टारगेट। खैर फिर आगे हसन अली को ओवर दिया, वही 21 रन पड़े, उसी वजह से मोमेंटम खराब हो गया पाकिस्तानी टीम का। इतना अच्छा एक आउटस्टैंडिंग मोमेंटम जा रहा था, एक्सेलेंट मोमेंटम जा रहा था पाकिस्तान का, वो पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया, ब्रेक इनटू पीसेस कर दिया, बिल्कुल ऐसा कर दिया उन्होंने मोमेंटम हसन अली ने। तो फिर थोड़ा सा फिर कंटिन्यू रखने की कोशिश की शाहिन शाह अफरीदी ने, आखिर उम्र में यॉर्कर्स बैक टू बैक यॉर्कर्स कराए, तो तभी ये स्कोर 148 तक रुक पाया, वरना तो ये 150-160 तक जा रहा था आराम से। ये भी नो डाउट ये बहुत ही बड़ा टारगेट था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गई क्योंकि जैसे इनका स्पिन डिपार्टमेंट इतनी डिफिकल्ट स्पिन बॉलिंग कर रहा था, हालांकि ड्यू फैक्टर भी इनका साथ दे रहा था, ड्यू फैक्टर भी आ गया था आखिरी 10 ओवर्स के बाद, शुरू के 10 ओवर्स के बाद पाकिस्तान की जो इनिंग्स थी उसके बाद ड्यू फैक्टर भी आ गया था, लेकिन फिर भी बस बहुत ही प्रेशर में खेले, मतलब प्रेशर में खेलते हुए देखे थे पाकिस्तानी बैट्समैन के बड़े प्रेशर में आए हुए थे इनके सामने, स्पिनर्स के सामने, पर प्रेशर ना लिया जाए, बस खुल के खेला जाए, बस ऐसे ही मैच लिया जाए, कोई जंग की तरह नहीं लेनी चाहिए, वॉर की तरह। और मैं तो देख रहा था मैच के बाद जब पाकिस्तान जीते तो अफगानिस्तान के बहुत फैंस रो भी रहे थे, आंखों में आंसू निकल रहे थे उनके, मैंने देखा था। खैर ये तो होते रहते हैं, इमोशंस तो जुड़ते हैं हर मैच के साथ, इमोशंस जुड़ते हैं पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप के मैच तो उसमें से साथ तो इमोशंस जुड़ते ही जुड़ते हैं। हारेगा पाकिस्तान तो रोना आता है दिल से, जब जीतता है तो इतनी खुशी होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। इमोशंस तो हर टीम के साथ, जो भी टीम का फैन है उससे पूछा जाए कि क्या इमोशंस हो रहे होंगे जब वो जीत के वक्त, क्या इमोशंस हो रहे होंगे, और जब हारेगा कोई भी टीम जो होगी उनकी, क्या उस वक्त क्या इमोशंस होंगे, वो तो वही फैन से पूछा जाए। खैर फिर आके लेके चले पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम, फिर से आज इनिंग्स खेल दी उन्होंने इंडिया के बाद, अब जाके उन्होंने एक जबरदस्त इनिंग्स खेल दी है, इस प्रेशर को हैंडल करते हुए एक क्लासी डिफेंसिव इनिंग्स खेली है बाबर आजम ने। 47 बॉल्स पर 51 रन बनाए, स्ट्राइक रेट बहुत कम जाता है, मतलब स्ट्राइक रेट पे इनको वर्क करना चाहिए, अपने स्ट्राइक रेट थोड़ा बढ़ाएं, लेकिन फिर भी प्रेशर को जैसा हैंडल करते हैं वो बस कोई नहीं पूछ सकता, कोई बता ही नहीं सकता जैसे वो प्रेशर को हैंडल करते हैं। लेकिन बस राशिद खान ने राशिद खान बार बार ट्राई करे जा रहे थे कि बस मैं किसी ना किसी तरीके से इनको आउट कर दूं, बस उन्होंने आखिरी बॉल पे अपने स्पेल को उनको बोल्ड कर दिया था, मोमेंटम जैसे आखिर में मोमेंटम थोड़ा ब्रेक हो गया था। खैर शुरू में जब रिजवान आउट हो गए थे, रिजवान बड़ी काफ़ी जल्दी में भी लग रहे थे क्योंकि उनको बहुत लोग बोलते हैं कि आप स्लो खेलते हैं, तो भाई वो चाह रहे होंगे भाई मैं भी थोड़ा बहुत फास्ट खेलूँ, लोगों को बताऊँ कि मैं भी फास्ट खेल सकता हूँ, लेकिन वो नहीं खेल पाए, आउट हो गए थे कैच आउट। मुजीबुर रहमान ने भी एक अच्छा स्पेल कराया, 4 ओवर में 1 for 14 करा उन्होंने, अच्छी बॉलिंग कराई। फिर फखर जमान है नंबर थ्री के पोजीशन में, मुझे सही नहीं लगते, मैं चाहता हूँ कि फखर जमान को आपको ओपनिंग में भेजना चाहिए, पावर प्ले फजूल का जाया हो जाता है आपका। पावर प्ले में शुरू में आते स्ट्राइकिंग करेंगे, फास्ट को अच्छा खेलेंगे, स्पिन को भी चले अच्छा खेल ही लेंगे, मैं तो देख रहा था भाई स्पिन को इतना पूरे पावर प्ले में इन्होंने मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान ने अपने आप को यूटिलाइज किया है, मोहम्मद नबी ने अपने आप को यूटिलाइज किया, मुजीबुर रहमान को यूटिलाइज किया पावर प्ले में फुल, जैसे जिसे कहते हैं कि बस फुल स्पिन डिपार्टमेंट अपना स्ट्रॉन्ग करके फुल तैयारी के साथ आए थे अफगानिस्तान के बॉलर, तो वही करने जा रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीत गया माशाल्लाह से। खैर अभी जो फिर लाइन से चलते हैं जरा, फखर जमान ने जैसे पार्टनरशिप लगाई बाबर आजम के साथ वो बहुत अच्छी लगाई, लेकिन फिर मोमेंटम ब्रेक हुआ एकदम से इनका, फखर जमान आउट हुए, फिर इनके बाबर आजम, फिर मोहम्मद हफीज़ को सही नहीं है नंबर 4 पे भेजना, मोहम्मद हफीज़ को असल में नंबर 5 पे भेजना चाहिए क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी करते हैं मारने में शॉट, तो उनको नंबर 5 पे भेज देना चाहिए, वो अच्छे रन भी बनाएंगे, थोड़ी बहुत हिटिंग कर लेंगे, आखिर में आकर ड्यू फैक्टर भी थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ी ड्यू भी इनको सपोर्ट करेगी हिटिंग में, ये तो होना चाहिए था नंबर 5 पे भेजते, उनका नंबर 4 पे शुएब मलिक को भेजना चाहिए था। है शुएब मलिक भी आखिर में आउट हो गए थे 19 रन बनाकर, वो भी आउट हो गए थे। फिर जो आखिर में जो हीरो थे इस मैच के, जिन्होंने पूरा का पूरा मैच जिताया, वो वन एंड ओनली आसिफ अली थे, बैक टू बैक मैच जिताया आसिफ अली, अगेन हिट द गेम। आसिफ अली ने अपने जो सेकेंड लास्ट ओवर था टीम का इनका, जो बस ओवर 2 ओवर्स में इनको 24 रन चाहिए थे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान भाई 70% नीचे जा रहा, अफगानिस्तान ऊपर जाता जा रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। लेकिन भाई आसिफ अली ने वैसे शुएब मलिक से यही बात करके रखी थी कि
एक सेकंड लास्ट ओवर जब आएगा करीम जन्नत को उसको टारगेट करेंगे, उसी ओवर में ही मैच खत्म करने की कोशिश करेंगे। और वो शुएब मलिक अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए थे, लेकिन फिर आसिफ अली ने ये पूरा टारगेट खत्म किया। 4 sixes मारे उन्होंने, टोटल 7 balls पे 25 runs की इनिंग्स खेली उन्होंने। एक भाई जिसे बोलते हैं ब्लिस्टरिंग कैमियो खेल दिया आसिफ अली ने, कैमियो स्मैश किया, कार्नेज स्मैश किया इन्होंने आसिफ अली ने। भाई हार्ट्स जीत लिया आसिफ अली ने, आसिफ अली ने बता दिया भाई मैं सिलेक्शन के लिए सही आया हूँ। जितने भी तुम लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं भी क्रिटिसाइज कर रहा था, मैं भी मानता हूँ, सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, जितने भी, कोई भी ऐसा नहीं था जो बोल रहा हो कि क्रिटिसाइज ना कर रहा हो, सिवाय इंजमामुल हक के, इंजमामुल हक ने खुद अपने स्क्वाड में उनको इंक्लूड किया था और चीफ सिलेक्टर के, तो भाई चीफ सिलेक्टर ने लेके आए उनको, भाई अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी। भाई यही है, जिसे चाहे अल्लाह जिल्लत दे, जिसे चाहे इज्जत दे, यही बात है कि कैसे नीचे इतनी जिल्लत हो रही थी इनकी, फिर एकदम से ऊपर गए और इज्जत ही इज्जत मिल रही है इनको, पूरे मैच के हीरो बन गए। मैच इन्होंने ही पूरा का पूरा जिता दिया मैच से, और एक ओवर पहले ही अपनी टीम को इन्होंने मैच जिता दिया और 24 runs मारे इन्होंने 6 balls पर और 4 sixes स्मैश कर दिए इन्होंने। यदि मैं आपकी वीडियो की सिविटी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सोच को जरूर अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स और क्रिकेट के शौकीन के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।